चुप कर, हमें सिखाएगी तू? सो बेसिकली अभी राधिका फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये जो दो लोग हैं ये ऐसे कुछ प्रोफेशनल किडनैपर्स नहीं है, गांव के हैं। चुप कर, औरतों के हमें सिखाती है। दंगल टीवी के शो मन अति सुंदर में हो रहा है बड़ा ड्रामा। दरअसल कली ने राधिका दिव्यम को अलग करने की चल दी है साजिश। कली ने करवा दिया है राधिका को किडनैप, जिस वजह से दिव्यम और घर वाले राधिका के गायब होने से हो रहे हैं परेशान। वेल, अब देखना होगा कि राधिका बदमाशों से कैसे बच निकलती है और दिव्यम के सामने कली की काली करतूतों का भांडा फूटेगा या नहीं। मैं प्याज काट लेता हूं, ठीक, पेट में गड़बड़ी होने से अच्छा चल। हम तुम्हारी वजह से नहीं रो रहे, कटी हुई प्याज के आंसू वही है। राधिका को कहीं ना कहीं पता है कि दिव्यम से एक उम्मीद। हाँ, सो इफ यू कैन सी, इसके हाथ में ये ताबीज बंधा हुआ है जो दिव्यम ने दिया है राधिका को, तो उसका ही उम्मीद वही है कि दिव्यम जी ने अगर ताबीज बांधा है और भोलेनाथ उसके साथ हैं तो दिव्यम जी कैसे ना कैसे करके बचा लेंगे। लास्ट टाइम राधिका गई थी मैन होल में तो उसमें भी वो फंसी थी काफी टाइम तक, उसने खुद से स्ट्रगल किया, बट एट द एंड हीरो की एंट्री हुई और हीरो ने बचाया, तो अभी भी होगा ऐसा कुछ ही होगा। ये मेरी वाइफ है राधिका, कल दोपहर से गायब है और इसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है, सर इसे ढूंढने में हमारी मदद की। इनके साथ कोई खास नहीं या फिर कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता दीजिए, क्योंकि ऐसे जैसे पत्नी नाराज होकर के किसी दोस्त या किसी होटल में रुक जाए। समझ सकता हूँ सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो घर पे था ही नहीं, कल सिर्फ माँ और ताई जी थी घर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, राधिका हमारी बेटी जैसी है, आप प्लीज़ उसे ढूंढिए, हमें डर है कि कहीं वो किसी मुसीबत में। ठीक है, हम उनको ढूंढते हैं, आप भी उनके कहीं भी दोस्त और परिवार वालों के साथ कुछ खबर लेते हैं। चलिए मैं आपको बाहर तो छोड़ देता। कली ने राधिका को किडनैप करवा दिया है तो अब वो कैसे इस चंगुल से बाहर निकलेगी। सो बेसिकली अभी राधिका फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये जो दो लोग हैं ये ऐसे कुछ प्रोफेशनल किडनैपर्स नहीं है, गांव के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, हमने इसको थ्रेटनिंग तो रखा ही है, साथ में कॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो हम अभी तक तो पहुँचे नहीं हैं कि राधिका कैसे बाहर आएगी, अभी तो अंदर का ही बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है उसका, कि वो भागने की कोशिश कर रही है, फिर पकड़ी जा रही है, फिर वो कुछ कर रही है, तो लेट्स सी हमारा स्क्रीन प्ले आएगा तो पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। खाना तो दोनों खाते हैं ना, तो दोनों के हाथ में होता है अच्छा खाना बनाना।
चुप कर, हमें सिखाएगी तू? आप लोगों ने हमारी किडनैपिंग क्यों की? ताकि आपको पैसे मिल सके ना, अच्छे से पेट भर के खाना खा सके ना। कोशिश करके देखिए, अच्छा लगे तो अच्छी बात है ना। चुप कर, औरतों के हमें सिखाती है हाँ? निकाल। आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे, प्लीज 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 हटा दीजिए। आपकी भलाई, अगर ये कुछ हो गया और हमें चोट लग गई हमारी जान से, तो हमारी दोनों को कुछ करना पड़ता है। क्या तुमको बिजनेस बढ़ेगा? चल चल चल, हर जगह चाकू निकाल लेता है। चल मिलेगा, तो राधिका के मन में है क्या? राधिका दिव्यम का दिल जीत पाएगी? जीत तो लेना चाहिए, ऑलमोस्ट तो जीत ही लिया है राधिका ने दिव्यम का मन, क्योंकि अब तो दिव्यम हमेशा राधिका की साइड ही रहता है। कभी कभी हो जाता है, राधिका से गलतियां होती है तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन है कि बस राधिका बुआ का दिल जीत ले तो सब सही हो जाए हमारी स्टोरी में। दिव्यम के साथ तो अच्छा ही चल रहा है। शोमन अति सुंदर सीरियल अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।